तो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज है 3 जून और हम जा रहे हैं परीताल। और अभी हम रुके हुए हैं ब्रेकफास्ट के निकले सलड़ी में। और ये मेरे साथ है सूरज, अनुज एंड अपने अपनीत पाजी। और यहाँ पे हम चाय और पकौड़े और साथ में चटनी भी आ चुकी है। तो अभी और इनकी कॉफ़ी आने वाली है। तो इसके बाद हम थोड़ी अपनी जर्नी, यहाँ से 3 किलोमीटर और होगा, वॉक कवर करते हैं और फिर आपको वहाँ पे खरीदा बताऊँगा। ओके, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बार? आप अपने विचार रखते हैं? हाँ जी, अपने विचार चाहिए। आपको क्या चाहिए? फूड ब्लॉगिंग चल रही है। क्या खाया जा रहा है? हम लोगों ने यहाँ पे शाही पनीर और रोटी, जब प्लेन रोटी है। अपना रिव्यू दीजिए, अपना रिव्यू दीजिए, कैसा लगा आपको खाना? कैसा लगा आप बताएं, अपने विचार रखें। तो गाइस अभी बज रहे हैं 11:30 और हम ये यहाँ पे रुके हुए हैं द रिवर साइड फैमिली रेस्टोरेंट मचान। और यहाँ पे हमारी प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी बाइक। और ये है मिस्टर कन्याल एंड मिसेस कन्याल। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से मेरे ख्याल से 2 किलोमीटर दूर है, यहाँ से 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर जाके आधा हमारा परीताल 700 मीटर की कच्ची। तो चलते हैं, देखते हैं, हम भी पहली बार जा रहे हैं तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। स्टार्ट। तो गाइस ये हम आ चुके हैं परीताल, जो यहाँ से ट्रैक स्टार्ट है। 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में रास्ते में देखिए हनी पेल वॉल बी फार्म है। यहाँ पे हनी, ओरिजिनल हनी आपको मिलेगा यहाँ पे। वो पूरा बी होम है, बी रखी गई है यहाँ पे और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। कपड़े धो, यहाँ कपड़े धोए जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे सक्सेना, ये हमारे सक्सेना जी ट्रैक करते हुए ऑफ रोडिंग ऑन फुट चालू हुई है। आइए, कम ऑन, यू कैन डू इट। वैसे रास्ता था ही कि मैंने बनाया? ये आपने बनाया, आपके बनाया हुआ रास्ता। सो गाइस, आधा रास्ता पार करके हमें पता चला है कि हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो चुके थे। अब हम वापस रॉन्ग टर्न ले लिया था हमने, तो हम वापस जा रहे हैं। अब हम अपने राइट ट्रैक की तरफ। ये हमारे बॉब भाई। तो गाइस हम अपनी ट्रैकिंग डेस्टिनेशन से 1 किलोमीटर आगे आ गए हैं और नदी के बगल बगल से एक ये ट्रैक जाता है, रास्ता जाता है। और यहाँ पे अभी थोड़ी सी छाया शेडो मिला है पेड़ के यहाँ पे, तो हम रुके हैं 2 मिनट और पानी वानी पीते हैं और बाकी अभी देखते हैं आगे कितना बचा हुआ है। और सो लेट्स गो, सो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी, कंटिन्यू आवर ट्रैक टू परीताल। परीताल हम बहुत इंटरेस्टिंग है ना, परीताल, परी, बिल्कुल। हमें कन्याल द्वारा बताया गया था कि वहाँ परियाँ आती हैं पूर्णिमा की रात को, वहाँ मेलिफिसेंट वाली परियाँ आती हैं। उसके लिए तो रात को जगना पड़ेगा, एक दिन यहाँ पे टेंट लगाने पड़ेगा। कहाँ जा रहे हो? हो गया वापस, चलो तो लिए। और कितना जाना है? हो गया क्या? हो गया इतनी जल्दी? एक्सपीरियंस होता है, बीच में रिवर्स आ रही हैं और बहुत ही सुंदर
और बहुत ही सुनहरी हवा, सुंदर हवा चलती हुई। आप पूरी वैली का नज़ारा देख सकते हैं, यहाँ पूरी वैली का नज़ारा देख सकते हैं। हम आपको पूरी वैली का नज़ारा कराएंगे, बना रहे, सबका नंबर आएगा। यहाँ पूरा वैली का नज़ारा ले रहे हैं। ये हमारे एक्सक्लूसिव कपल, आज के एक्सक्लूसिव कपल, स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस, ओनली कपल इन ग्रुप। इन्हीं सब कपल अपने अपने दो चार झुंड में सभी चल रहे हैं। परिया बुलाना क्या? जल परी। अब लेके आप अरे फोटो। और यहाँ पर साइल के लिए देखते देखते क्या कोई भी रोक लेगा, इनकी नहीं रुकी। चलो 1 2 3। अब नहा रहे हो क्या करता हूँ? इतनी बड़ी मछली छोटे से पानी में, मडमेर हमारे, तीन मरमेड मरमेड को मडमेर। अच्छा वो कुछ और नहीं बोल दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। एक्चुअली बहुत टाइम बाद हम लोग एक ट्रैक पर आए हैं, तकरीबन 2019 के बाद, और बहुत ही मस्त जगह, बहुत ही अच्छी जगह। यहाँ पर फोटोग्राफर, कैमरा मैन चार नवाब, इनको देख के बहुत मन कर रहा है नहाने का, लेकिन मजबूर कंट्रोल में रखा हुआ। बहुत ठंडा पानी। अब फाइनली जाने का टाइम हो गया यहाँ से, इन लोगों का मन नहीं कर रहा है आने का। चलो बाकी हम लोग हो गए रेडी। अब नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सोचेंगे कहीं जाने का। हाँ, नेक्स्ट ट्रिप के बारे में सोचते हैं। और ये ट्रिप बहुत ही औसम था, और यहाँ पे अभी डेढ़ बजे है, और हमने यहाँ पे बहुत ही मज़े किए हैं परीताल में। और यहाँ पे आना चाहिए लोगों को ना, थोड़ा सा मैं नहाया अभी, आना भी चाहिए। और यहाँ पे बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी जगह, बहुत सुंदर जगह है। ट्रैक भी है, पहुँचने के बाद एक जो सुकून मिलता है, सुकून भी मिलता है। गंदा कर दिया लोगों ने यहाँ। बस यही है एक रिक्वेस्ट, जो भी घूमना है कूड़ा करकट ना फैलाएं यहाँ पे। हम लोगों ने काफ़ी साफ सफाई की यहाँ पे। Thank you.
तो ये वापस जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, पर रुकने का मन था थोड़ा सा। धूप बहुत ज़्यादा है, अगर मौसम थोड़ा और अच्छा होता और ज़्यादा हम वहाँ पर टाइम स्पेंड कर पाते तो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो देखते हैं, सुबह से शाम तक रहेंगे।